Hello, good afternoon all. Good afternoon everybody, how are you? Kaise hai sir? Hello. Good afternoon, beta, good afternoon. Kaise hai sir? All are good. और कल क्या क्या किया सबने आफ्टर क्लास? सबने कल क्या क्या किया? मेरे पास बहुत सारी बच्चों की पेंटिंग्स आई. यस, पिछली बार से ज्यादा मतलब बच्चों ने अच्छा रिस्पांस किया कल की क्लास में. गुड गुड, आई एम गुड. हेलो कंचन, हाउ आर यू? I'm fine, Mita. What about you? आप सब ठीक हैं? Good. कल किस-किस ने enjoy की हमारी क्लास, ये बताओ पहले. कल आज की क्लास किस-किस बच्चे ने enjoy किया? वर्ली आर्ट की प्रैक्टिस की सबने? हेलो रिया. रिया, मैंने आपका काम देखा, बहुत अच्छा काम है आपका. सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा काम है. इवन इतनी सारी पेंटिंग्स आई कि अभी अगर मैं दिखाने लगूँ ना तो मतलब पूरा 1 आवर उस पेंटिंग को दिखाने में ही लग जाएगा. बट जिन जिन बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किया, जिन जिन बच्चों ने अपनी प्रेजेंटेशन मुझे दिखाई, वो बहुत अच्छी थी. मैंने बच्चों को करेक्शन भी दिया कि क्या क्या उसमें हम करेक्ट कर सकते हैं. जिन जिन ने पेंटिंग्स में कुछ कमियां थी, मैंने उसे करेक्शन लिख के भेजी है बच्चों को. तो प्लीज़ उसको डेफिनेटली सुधारिएगा आप लोग, ठीक है? अच्छा, थैंक यू. अच्छा लगा आपको क्लास? आर्टसी क्लास कैसी लगती है बच्चों को? अच्छा लगता है? एक्साइटेड लगता है? क्या? ओके गीतिका, ओ आप फोर्थ क्लास में. गीतिका, मैंने आपका भी वर्क देखा, आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है बेटा. एज कम्पेयर टू फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे ब्रश को यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि ब्रश को यूज़ करना, हम कभी कभी हम बड़े भी और जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर्स भी ब्रश को यूज़ करने में कभी ना कभी हेजिटेशन होती है कि हाँ हम कहीं अच्छा स्ट्रोक मतलब सही स्ट्रोक लग रहा है कि नहीं लग रहा है. बट थर्ड क्लास के बच्चे, फोर्थ क्लास के बच्चे जो मैं सिखाती हूँ वाटर कलर टेक्निक, पोस्टर कलर टेक्निक या फिर एक्रेलिक वर्क, वो बच्चे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगता है देख करके कि बच्चे मतलब अपना 100% देते हैं उसमें. छोटे छोटे बच्चे, 9th क्लास के बच्चे हैं, मतलब वो भी अच्छा बहुत अच्छा वर्क करते हैं. मतलब मेरे पास ये है कि स्टूडेंट जो है 3rd to 9th तक के सारे हैं, और सबके वर्क मैंने देखा, सबका अलग अलग लेवल है. तो मैं पेरेंट्स को भी कुछ पेरेंट्स का ये कंसर्न भी था कि मैम बच्चे छोटे हैं तो ब्रश यूज़ करते हैं, कहीं उनको कुछ मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से बना नहीं पाते हैं. तो मैं उनको एक चीज़ कहूँगी, पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में होकर ब्रश यूज़ कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है. और उनको फ्री छोड़ दीजिए प्लीज़, बच्चे जो कर रहे हैं इस टाइम पे उन्हें वो करने दीजिए, क्योंकि वो उनकी क्रिएटिविटी है. समर क्लास का मतलब होता है, समर कैंप का मतलब कि बच्चा फ्री होके अपनी क्रिएटिविटी को मतलब पीसफुली प्रेजेंट करे. तो उनके ऊपर बर्डन देने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ मैडम की तरह एकदम स्टिक लेके कि हाँ आपको ऐसे ही करना, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. बच्चा अटेंड कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है? सो आज का टॉपिक आपको पता है सबको, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सनसेट सीन विथ नेस्ट, ठीक है? हम ये बनाना शुरू करेंगे. बेटा नंबर तो सबको गिवन हो चुका है, अब तुम्हें बस पेंटिंग्स भी आ रही हैं. कंचन, आपका बहुत अच्छा वर्क था, मैंने आपका भी वर्क देखा, मैंने सब बच्चों का वर्क देखा है. जिन जिन का करेक्शन था वो मैंने उनको वापस सेंड भी कर दिया है, और जिनको मैंने करेक्शन नहीं बताया है या कुछ रिप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स कि उनका जो पेंटिंग है वो अच्छी है. और इस वजह से कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर बच्चे को रिवर्ट करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम अच्छा नहीं है या फिर आप
बहुत मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट अगर मेरा मैसेज आप तक नहीं पहुँचा है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपकी सबकी पेंटिंग देखती हूँ, आप देखते होंगे ब्लू टिक्स में मेंशन हो जाता है, मैं पेंटिंग सबकी देखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई कमी है तो मैं उसके पीछे मतलब उसके बाद उस पर रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि मैम होमवर्क मंगवा लेती हैं और हमारा होमवर्क देखती नहीं है, मैं सबका होमवर्क देखती हूँ बेटा, ठीक है? ओके, तो सबके पास मटेरियल है, ऑयल पेस्टल कलर्स है, सबने ऑयल पेस्टल कलर्स ले लिए। ऑयल पेस्टल कलर तो मोस्टली सबके यहाँ ही होते हैं, मेरे हिसाब से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, राइट? यस। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे आ गए हैं। मैं एक चीज और बताऊंगी कि लास्ट में क्या हुआ था, कई बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे एंड में जाते जाते, कई बच्चों का मतलब डिस्कनेक्ट मुझे शो हो रहा था और फिर दोबारा कनेक्ट भी हो रहे थे, जो भी है हो सकता है कोई इशू हो, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि एंड तक आप लोग प्रेजेंट रहा करिए क्लास में, बिकॉज ऑफ दैट अगर आप एंड तक रहेंगे तो आपको पूरी चीजें पता रहेंगी, कि मैंने नंबर भी शेयर करती हूँ मैं बीच बीच में, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर मैम ने शेयर नहीं किया या मतलब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक कंटिन्यू रखा करिए, ताकि मैं आपको क्लास में जो भी कई बार मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ तो आपको वो हेल्प करेंगी आगे पेंटिंग्स में, ठीक है? तो कई चीज़ें होती हैं जो हमें ऑन द स्पॉट याद आती है, तो वो मैं ऑन द स्पॉट आपको बता देती हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू रखा करिए एंड तक पूरी क्लास, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, सबने शीट ले ली, A4 शीट लेंगे हम, मैंने A4 शीट ली है, आपके पास जो भी शीट है, A3 है तो A3 आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैंने कलर्स लिए हैं, मेरे पास डोम्स के कलर थे तो मैंने डोम्स के वाले कलर्स लिए हैं, 24 शेड्स वाले भी हैं, 24 शेड्स हैं, किसी के पास 12 शेड्स वाले हैं तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, किसी के पास कैमल के हैं तो वो भी यूज़ कर सकता है, फेबर कैस्टिल के हैं तो वो भी यूज़ करता है कर सकता है, लेकिन ये क्रियॉन्स यूज़ मत करिएगा, बिकॉज ये जो मैं काम करवा रही हूँ ये यूज़फुल नहीं रहेगा, तो सब बच्चों को यही यूज़ करना है, ऑयल पेस्टल ये होते हैं, क्रियॉन्स ये होते हैं, ठीक है? कई लोगों के घर में ये होता है, बट बेटा ये मैं जो करवाऊँगी उसके लिए सही नहीं है, ठीक है? चलिए जिसके पास जो कलर है एक बार वो अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है? हाँ हाँ मैं देख रही हूँ बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपके पास ऑयल पिस्टल नहीं है बेटा, जो भी अगर आपके पास कलर है आप उससे अटेम्प्ट करके देखिए, अब तो अब कुछ पॉसिबिलिटी और है तो नहीं है ना, इस टाइम तो हम वही कर सकते हैं जो हमारे पास हो, तो आप वही कलर लीजिए जो आपके पास है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, विजिबल, सबको विजिबल है, फोकस्ड है सबको, बेटा एक शीट हम ये लेंगे A4 साइज और एक छोटी शीट भी हम साथ में रखेंगे अपना, क्योंकि अगर हम जब कलर करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, हाथ नीचे रखते हैं तो वो खराब होता है, तो एक एक्स्ट्रा शीट जरूर रखिएगा अपने साथ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्लियर है सबको? लाइट ऑफ करो या ऑन करो मुझे बता दीजिएगा बीच में, बिकॉज मैं अभी अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अभी ऑफ कर रही हूँ लाइट, ठीक है? चलिए मैंने लिया है येलो कलर, येलो मीन्स क्रोम येलो, ऑयल पिस्टल का होता है जो क्रोम येलो, या लेमन येलो भी ले सकते हैं आप, सॉरी ये लेमन येलो लिया है मैंने, लेमन येलो भी ले सकते हैं आप, सेंटर में पेपर के सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, पेपर के सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सबको समझ में आ रहा है? ये पेपर है मेरा पूरा,
और मैं इसके सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। लाइक दिस। इस सर्कल को मैं अब बड़ा कर रही हूँ धीरे धीरे, देखते जाइए। ठीक है, मैंने लिया ऑरेंज कलर, मैंने ये लिया ऑरेंज कलर। मैं एक अंडरलाइन कर लूँगी कि मुझे कितना ऑरेंज कलर करना है। ठीक है, मैंने ये अंडरलाइन किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया कि मुझे इतना ऑरेंज कलर करना है। मैंने रेड कलर लिया, एक सेकेंड। अगर जैसे आपके कलर पे कोई और कलर लग जाए, जैसे मेरे पे ब्लैक कलर लगा था, तो मैंने कोई कपड़ा लिया रफ कपड़े पे, उसको मैंने ऐसे करके रब कर लिया। ठीक है, तो आप भी ये यूज कर सकते हैं। मैंने रेड कलर का अंडरलाइन कर लिया कि मुझे कितना रेड कलर चाहिए। ठीक है, मैंने ये रेड कलर ड्रॉ कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं डिटेलिंग। डिटेलिंग करते हैं, ये हम सनसेट सीन दिखा रहे हैं बेटा। ठीक है, पेंसिल कलर आप यूज कर सकते हैं, बट वो लाइट एंड शेड नहीं आएगा। पेंसिल कलर अगर आपके पास ऑयल पेस्टल है, तो आप ऑयल पेस्टल ही यूज करिए। ये सनसेट सीन हम बना रहे हैं विथ नेस्ट। जब मैं कंप्लीट हो जाएगा तो इस टॉपिक का मीनिंग बताऊंगी कि टॉपिक क्या है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ये टॉपिक मैं नहीं बताऊंगी, मैं टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद दिखा करके आपको टॉपिक समझाऊंगी कि ये क्या हमने बनाया है। ठीक है, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे बनाते बनाते ही। ठीक है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप सर्कल करते जाइए सब। ठीक है, ऑरेंज कलर लेंगे। आज की क्लास कितने बच्चों को अच्छी लगती है? आज की क्लास किस किस बच्चे को अच्छी लगती है? साथ में काम भी करते जाइएगा। गुड, वेरी गुड। वेरी नाइस, इतनी सारी बच्चों को अच्छी लगती है, इतनी सारी बच्चे। पिटाई
बेटा देखो मैंने ऑरेंज कलर कर दिया, सबने किया अटेम्प्ट ऑरेंज कलर किया। किया ना सबने। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि पेंटिंग तो चलो सबने बताया कि हाँ मैं पसंद करती हूँ या मैं पसंद करता हूँ, लेकिन आर्टिस्ट कितने बच्चे बनना चाहते हैं? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट पता है कौन होता है? आर्टिस्ट कौन होता है पहले तो ये बताओ मुझे अब कि आर्टिस्ट होता कौन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे कई बार क्या होता है छोटे बच्चे भी हैं इसमें हमारे ग्रुप में, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि बेटा जैसे कि आप हाथ रख के ड्रॉ करते हैं, हाथ रख के कलर अगर करते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा नीचे कोई भी शीट रख लीजिएगा ऐसे करके आप फिर ड्रॉ करिएगा, क्योंकि हमारी कई हमारे जो बड़े बच्चे हैं या हम हैं हमारी प्रैक्टिस होती है तो हम कलर को ऐसे उठा के करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, तो फिर प्लीज़ वो क्या करेंगे, वाइट शीट लेंगे, वाइट शीट के ऊपर हाथ रखेंगे और फिर कलर स्ट्रोक मारेंगे लाइक दिस, ठीक है? ठीक है, ऐसे कलर इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि आपका फिर दिक्कत नहीं हो, मतलब आपका जो ये खराब ना हो जाए, दूसरा कलर एक दूसरे के ऊपर मर्ज ना हो, इस वजह से मैं ये कलर स्ट्रोक मारने के लिए आपको इस तरीके से बोल रही हूँ। ठीक है, अच्छा जो ये पेंटिंग्स बना रहे हो आप लोग, इसको एक फाइल मेंटेन करके उसमें ज़रूर रखना समर कैंप डाल के, ठीक है? समर कैंप लिख के उसको बिल्कुल ज़रूर रखना, ठीक है? वंशिका आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, इट्स अ बिग थिंग कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हैं? ठीक है, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है कि आप आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते, अपने अपने चॉइस होता है हर किसी का, बट ये अच्छी बात है कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं लेकिन फिर भी आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है। दैट्स गुड थिंग, ठीक है? डॉक्टर्स को भी तो ड्राइंग की ज़रूरत होती है, पता है सबको कि डॉक्टर बनने के लिए भी हमें ड्राइंग करनी पड़ती है, बायो पढ़नी पड़ती है, बायो में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, साइंस पे जितनी भी आप पढ़ते हो साइंस पे कितने डायग्राम्स होते हैं, है ना, सब ड्राइंग से रिलेटेड तो हैं। एग्जैक्टली, फिर बनाया सबने, कलर स्कीम दिख रही है सबको, मैंने क्या क्या चूज किया है इसमें, कलर करिए सबका हुआ। आईपीएस बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बच्चों की ड्रीम्स बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स हैं सबके, सब बनेंगे पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो साइंस हो, नहीं चाहे वो आईपीएस बनने की पढ़ाई हो। वेरी नाइस, अब ब्लैक कलर लेंगे बेटा, ब्लैक कलर लीजिए, सब ब्लैक कलर लेंगे,
ब्लैक कलर स्ट्रोक मारेंगे जहां लास्ट में व्हाइट व्हाइट बच गया है, वहां पे ब्लैक कलर स्ट्रोक मारेंगे। किया सबने, ड्रॉ कर लिया, पेस्ट कर लिया, ओ सॉरी सबने ये कर लिया, कलरिंग कर लिया। क्रियॉन्स कलर बेटा, क्रियॉन्स कलर आप करेंगे ना तो वो इस तरह से शेडिंग नहीं आएगी जिस तरह से मैं कराने वाली हूँ, क्योंकि क्रियॉन्स कलर जो बहुत लाइट होते हैं, मैंने आपको भी बताया ना उसके बारे में, आप फिर भी करके देख लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, कई बच्चों का हो गया मेरे ख्याल से, जिसका हो जाए करिए, जिसका हो जाता है एक लेवल वो मुझे बता दिया करिए, यस मैम या थम्स अप का साइन भेज करके, ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे आऊं। ठीक है, बेटा देखो ये प्रॉब्लम आएगी आप, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोग A4 शीट लीजिए, बिकॉज A4 शीट आप लेंगे तो उस पर जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं भी A4 शीट लेती हूँ। मैं भी बड़ी शीट पे कर सकती हूँ, A3 वगैरह पे इसलिए नहीं करती, क्योंकि हमारे पास टाइम जिस हिसाब से होता है उस टाइम पे हमें टाइम पीरियड पे इसे ख़त्म करना होता है। 10-5 मिनट हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन अगर शीट बड़ी होगी और मैं करूँगी तो वो कैमरे में भी कैप्चर नहीं होगा, और मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा, और वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं A4 शीट पे ही आपको समझाती हूँ, ताकि आप अगर बड़े में भी बनाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। बट आपने अगर A3 शीट ली है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप आराम आराम से करिए। ठीक है, यस। आप क्या करेंगे, सब एक रफ कपड़ा ले लीजिए, सब एक जिन्होंने ले कर लिया है एक रफ कपड़ा ले लीजिए अपने हाथ में, एक रफ कोई क्लॉथ ले लीजिए, कॉटन का, कॉटन का होना चाहिए। ठीक है, कॉटन का कोई भी क्लॉथ ले लीजिए प्लीज। ले लिया, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि आगे क्या प्रोसीजर करना है। ये मैंने एक रफ क्लॉथ ले लिया कॉटन का, अब मैं क्या कर रही हूँ ध्यान से देखना सारे बच्चे। मैंने ये कपड़ा लिया और गंदा ना हो इस वजह से, मैं एक शीट रख रही हूँ यहाँ पे, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है, पकड़ने के लिए रखा है मैंने, ये देखिए। हल्का सा ऑरेंज भी मिक्स कर देंगे इसमें, कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने, कॉटन का, देखो कॉटन का कपड़ा है ये, आप लोग कॉटन भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये कंफर्टेबल लगता है तो इसलिए मैंने ये लिया है। कलर में मर्ज करते जाएंगे, येलो से ऑरेंज की तरफ जाना है, ब्लैक से लाइट की तरफ मत आना, वरना पूरी शीट काली हो जाएगी। देखा मर्ज हो रहा है कलर, कलर मर्ज होता नजर आ रहा है सबको, डिफरेंस नजर आ रहा है कलर में, ये ऑरेंज कलर मर्ज्ड है, ये थोड़ा सा ओपेक है, मतलब गैप है इसमें। ठीक है,
ये ऑरेंज कलर पे पूरा कर दिया हमने। अब रेड की बारी आई, रेड कलर ले रही हूं मैं। ऐसे पूरी शीट को मर्ज करना, ब्लैक कलर को टच मत करना अभी जब तक मैं ना करवाऊं। सीधा अभी सिर्फ रेड कलर पे रहेंगे हम, रेड को हल्का सा ऑरेंज में मर्ज करते जाएंगे। कपड़ा बार बार डायरेक्शन चेंज करते रहना, एक ही कलर को बार बार उस पर मत रिपीट करना कि यही साइड आपने येलो में भी कर दिया, ऑरेंज में भी कर दिया और रेड पे भी कर दिया। इससे क्या होगा, शीट थोड़ी गंदी होती जाएगी। ठीक है, आप दूसरी साइड यूज कर सकते हैं बार बार, दूसरी इस तरीके से साफ लेते रहना बार बार। डन, अब आती है हमारी ब्लैक की बारी। ब्लैक पे आ जाइए, ब्लैक पे बड़ी सावधानी से करिएगा वरना ब्लैक कलर जो है आपकी शीट गंदा कर सकता है, तो ध्यान से करना ब्लैक कलर बहुत ध्यान से। हल्का सा रेड पे मर्ज करते जाएंगे। मैं फिर बता दे रही हूँ, जिसके पास कॉटन का क्लॉथ नहीं है, वैसे कॉटन के क्लॉथ हर किसी के पास अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो कॉटन भी यूज कर सकता है। वाइट हो गई कंचन बेटा, एक्चुअली आपने क्या किया होगा ना, आपने आपने कौन सा कलर यूज किया है कंचन, पहले तो मुझे बताइए। अगर आपने ऑयल पेस्टल कलर यूज किया है तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैंने भी यूज किया है ना। अगर आपकी शीट बिल्कुल वाइट होगी दैट मींस कि आपने कलर कम अप्लाई किया है शीट पे, इस वजह से आपको दिक्कत आई है। ठीक है, कलर एक काम करना, दोबारा आप जब होमवर्क मिलेगा तो ध्यान से ये वीडियो एक बार मेरी देखना और डार्क डार्क कलर अप्लाई करना शीट पे। वो मैं बता देती हूँ, आपकी प्रॉब्लम इसलिए आई है वाइट शीट की क्योंकि आपने कलर लाइट किया, जब मैंने क्लॉथ से उसे रगड़ने के लिए कहा तो आपका जो कलर है वो मिट गया, या फिर कलर आपने दूसरा यूज किया है, ये दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, यस, ठीक है, ये है शीट हमारी, दिख रहा है सबको। देखो ये इसमें ब्लैक कलर लग गया था ना, अब थोड़ा सा ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे, मेरे पास अगर किसी के पास हो जाए तो, मेरे पास ये होता है ना हाईलाइट करना, मतलब किसी को शेप करके निकालना, तो जो वेस्ट है वो मैं शार्प करके निकाल रही हूँ इसमें से। ठीक है, ये देखो इस जगह पे मैं हल्का सा येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। Like this, इस तरह से मर्ज कर दो। वाइट कलर लेंगे, हल्का सा वाइट कलर लेंगे, वाइट कलर सेंटर पे अप्लाई करेंगे लाइक दिस।
ठीक है। हल्का सा वाइट कलर लेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे ऑरेंज पे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। देन वही रेड कलर पे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल लाइट सा। इसको स्मूथ करने के लिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मूथनिंग लाने के लिए। फिर से कपड़ा लूँगी मैं, फिर से मैं कपड़ा लूँगी और हल्का सा इसको मर्ज कर दूँगी। ज़्यादा डार्क डार्क नहीं दबाना है आपको, बिल्कुल लाइट लाइट कपड़ा लगा वो करना है, मर्ज करना है वाइट के केस में, लाइक दिस। दिखाई दे रहा है सबको? कुछ मुश्किल लगा क्या? किसी को कुछ मुश्किल लगा इस काम को करने के लिए? कोई मुश्किल लगा किसी को? नहीं बेटा, मैंने कपड़े को कोई गीला नहीं किया है, मैंने एकदम ड्राई कपड़ा अप्लाई किया है। जब मैं कपड़ा अप्लाई कर रही थी तो मैंने आपको कहा है कि सूखा कपड़ा लेंगे। ध्यान से मेरी बात आप सुनिए, सब जो मैं आपको कह रही हूँ एक एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एकदम ड्राई क्लॉथ लेंगे, बिल्कुल ड्राई, और उसी को ही फिर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है? गीला कपड़ा अप्लाई नहीं करना है, गीला करेंगे तो पूरी शीट खराब हो जाएगी। एक एक इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुना करिए, वरना आपकी पेंटिंग खराब हो सकती है, ठीक है? ये मैं वाइट वाइट कलर हल्का सा ब्लैक पे भी अप्लाई कर रही हूँ फॉर अ स्मूथनिंग। और फिर उसको रब कर दिया मैंने क्लोथ से हल्का सा। लाइक दिस। ठीक है, सबको शीट दिख रही है? नेक्स्ट लेवल पे आए, थर्ड लेवल शुरू करें। पहले लेवल पे मैंने क्या किया, पहले लेवल पे मैंने ये फोर कलर का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने मिलाया येलो, ऑरेंज, रेड एंड प्लस आपका ब्लैक, फर्स्ट लेवल था। सेकंड लेवल पे मैंने क्या किया, मैंने एक ड्राई कॉटन का क्लॉथ लिया, उससे मैंने पूरा रब किया, इसको मर्ज किया कलर्स में, ठीक है? कलर्स में आपस में मैंने इन सबको मर्ज किया। देन आप थर्ड लेवल पे आएंगे, थर्ड लेवल पे सब क्या करेंगे, अपने साथ ब्लैक पेंसिल, ब्लैक स्केच पेंसिल, वो नहीं होती है पेंसिल कलर जो होता है, ब्लैक पेंसिल कलर ले लीजिए, या फिर अगर डायरेक्ट ब्लैक कलर से अप्लाई कर सकते हैं तो वो ले लीजिए, या फिर हाथ में एक जो कल मैंने सीडी मार्कर यूज़ करवाया था वो ले लीजिए। हाँ बेटा, मैं वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, आप बनाइए, मैं एक सेकेंड एक मिनट के लिए होल्ड पे हूँ, आप देख के अप्लाई करिए, कोई इशू नहीं है। बना लीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए, आपके पास टाइम है। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट सबको?
चलिए बेटा, अगर आपके पास व्हाइट कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलर्स में कपड़े से ही उसको मर्ज कर दीजिए। पर मैं एक चीज़ बताऊंगी बेटा, आप लोग जो ये बेसिक्स कलर्स है ना वो प्लीज़ अरेंज करिए, क्योंकि देखिए 8 क्लास में आपके पास कलर्स नहीं होंगे, पेंसिल नहीं होंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। क्या क्रेयॉन्स कलर है डोम्स के? मुझे हाँ, तो बेटा डोम्स के कलर है तो आप बनाइए उससे। क्रेयॉन्स कलर है, अच्छा, क्रेयॉन्स कलर है डोम्स के। क्रेयॉन्स मीन्स मतलब आप किसको बोलना चाह रहे हैं बेटा? क्रेयॉन्स कलर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। डोम्स की क्या आपके पास ये ऑयल पिस्टल बता रहे हैं क्या? ऐसे वाले ऑयल पिस्टल है आपके पास? अगर ऐसे वाले हैं तो ये हो पाएगा, क्योंकि क्रियॉन्स कलर आप एक बार शीट पे अप्लाई करके देखिए, शीट पे वो अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप शीट पे करेंगे उस तरह से मर्ज करेंगे बच्चे तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आपको कलर्स चाहिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं प्लीज। चलिए आप लेंगे ब्लैक कलर, ब्लैक कलर मैंने लिया। देखो मैं आपको ब्लैक कलर और स्केच पेन, ब्लैक पेंसिल कलर दोनों से बताऊंगी, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से। दिखाई दे रहा है सबको ये मैंने कहां से लिया है लाइन? ध्यान से देखिएगा। ये क्या बना रही हूं मैं पता है? ट्री की ब्रांचेस। क्या बन रहा है? ट्री की ब्रांचेस। ठीक है, अब बेटा आपकी जो भी क्वेरीज हो प्लीज वो आप ये इस पेंटिंग के बाद डिस्कस करेंगे हम लोग, बिकॉज मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, पेंट कर रही हूँ, तो मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगी आपके कमेंट्स। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है या जानना है तो प्लीज मुझे इस पेंटिंग के बाद या बीच में मैं रिव्यू दे दूंगी आपको। अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ प्लीज वो आप वो अप्लाई करिए। दिख रहा है सबको? यस, ये है ट्री ब्रांचेस। ध्यान से अब मैं क्या ले रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ पेंसिल कलर। क्या लिया मैंने? मैंने लिया ब्लैक पेंसिल कलर। ठीक है,
अब मैं यहाँ बना रही हूँ एक चीज जिसका जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि मैंने क्या बनाया है। क्या बना रही हो? ध्यान से मुझे देख के बताओ कि क्या बन रहा है। मैम ये आप क्या बना रहे हो? सबके दिमाग में है ना ये क्वेश्चन। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में टॉपिक का नेम बताया था, तो वो नेम क्या था ये उसी से मिलता जुलता है, राइट? कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे। समझ में आया क्या है? यस, ये है नेस्ट, ये है नेस्ट। ये है नेस्ट। नेस्ट में क्या होता है? नेस्ट में कौन रहता है? कौन बताएगा मुझे? थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे बताएंगे नेस्ट में कौन रहता है। अब नेक्स्ट पे आएंगे। यस, नेक्स्ट आएंगे। अब हम बनाएंगे बर्ड्स, क्योंकि नेस्ट में तो बर्ड्स रहती हैं, तो हमें क्या बनाना है अब? बर्ड्स। अब बर्ड्स कैसे बनेंगी? ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। छोटी सी बर्ड बनेगी। ये मैंने ब्लैक पेंसिल ली है, देखो पेंसिल वो वाली है, ये आपकी जो पेंसिल कलर्स होते हैं ना, वही कलर्स वाली पेंसिल ली है मैंने। दिस दिख रहा है सबको? नेस्ट पे ये छोटे छोटे से बेबी बर्ड्स हैं। कौन है? बेबी बर्ड्स। ये क्या कर रहे हैं बेबी बर्ड्स? क्या कर रहे हैं? ये वेट कर रहे हैं कि इनकी मम्मा कब आएगी और इनके लिए खाना कब लाएगी। तो अब इनकी मम्मा को कौन लाएगा? इनकी मम्मा को हम लोग लाएंगे। कैसे लाएंगे? इसकी मम्मा को बुलाओ, सब लोग इसकी मम्मा को बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे देखो। बस इसकी मामा आने ही वाली है, ये वेट कर रहे हैं कि मामा कहाँ है। मामा में भूख लगी है तो मामा अब आ गई।
ये ऐसे बना रही हूँ मैं, ठीक है? तुम उल्टा मत बना लेना बच्चे, आप लोग। वेट फॉर मॉम। यस मम्मा डांट कर। यस मम्मा खिलाएगी, मम्मा खिलाएगी सबकी। आपकी मम्मा भी खाना खिलाती है ना आप लोगों को? आप लोगों की मम्मा भी खाना खिलाती है ना आप लोगों को? यस देखो इनकी मम्मा भी आ गई। अब क्या करेंगे, मामा में कलर करेंगे। कौन कह रहा है नो मैम? क्यों, आपकी मामा खाना नहीं खिलाती? चलिए इस पे ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं। मैंने ब्लैक कलर लिया। जो बच्चे, जैसे छोटे बच्चे अगर ब्लैक कलर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो ब्लैक स्केच पेन भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है? कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि मैम हम कलर नहीं कर पा रहे, पर ध्यान दीजिएगा मैंने हर पेंटिंग में हर बार क्या किया है, मैंने हर बार जब भी मैं कुछ कलर कर रही हूँ तो नीचे मैंने एक वाइट शीट ज़रूर रखी है, आप भी ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज आपकी शीट गंदी हो जाएगी, ठीक है? लाइक दिस। अब मामा क्या करेगी, मम्मा इनको देगी खाना। कैसे देगी मम्मा खाना? ये आई, ये क्या खाना, ठीक है? समझ में आया? मम्मा ने खाना खिला दिया है। आप लोगों ने अपनी अपनी बेबी बर्ड्स को खाना खिलाया? फटाक से बनाओ, जल्दी से मम्मा बनाओ ताकि आपकी मम्मा भी खाना खिलाए इनको। यस ये है हमारा टॉपिक जिसका नाम था, क्या नाम था, नाम क्या था इसका, सब भूल गए? बताओ इस पेंटिंग का नाम क्या है? इस पेंटिंग का नाम है सनसेट सीनरी विद नेस्ट। जब सनसेट हुआ, जब रात हुई, रात होने लगी, शाम हुई, तो जो मामा बर्ड है वो आई अपने छोटे बेबी बर्ड्स के लिए खाना लेके नेस्ट में। ये स्टोरी है इस पेंटिंग की, ठीक है? ओके समझ में आया सबको? सब लोग ड्रॉ करिए। क्लियर है? सब कुछ समझ में आया है कि क्या बनाया हमने? कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लगा? पसंद आई?
आज का टॉपिक पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा? सच सच बता दो। यस, थैंक यू कंचन। एग्जैक्टली। ये वो पेंटिंग है जिसको पोयम की जरूरत नहीं, वर्ड्स की जरूरत नहीं है। सबने एंजॉय किया आज का काम? सबने एंजॉय किया आज ऑयल पेस्टल वर्क? बेटा आपका जब बन जाए आप तब मुझे सेंड कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन डन एवरीबडी। और किसी को अगर नहीं समझ में आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है फिर बनाने में, या जैसे छोटे बच्चे हैं कुछ भी हैं, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज के थ्रू आप लोग मुझसे पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और, ये मैंने वाइट कलर यूज़ किया है, इसमें ज़रा ज़रा कहीं कहीं पे वाइट कलर भी आप दे सकते हैं लाइक दिस। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, व्हाइट कलर हल्का हल्का कहीं कहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ लेवल्स क्या थे हमारे पेंटिंग के। पहले हमने क्या किया, हमने सनसेट का सीन क्रिएट किया। कैसे? हमने पहले येलो कलर लिया, देन ऑरेंज कलर लिया, फिर रेड कलर लिया, उसके बाद हमने ब्लैक कलर लिया। ठीक है, इन चार कलर का इस्तेमाल करते हुए हमने फिर एक कॉटन क्लॉथ लिया लाइक दिस। कोई भी कॉटन क्लॉथ आप लोग ले सकते हैं या फिर कॉटन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने येलो कलर से शुरू किया, येलो कलर से मर्ज करती हुई मैं ऑरेंज में आई, ऑरेंज से मर्ज करती हुई रेड में आई, रेड के बाद मैंने ब्लैक मर्ज किया। उसके बाद मैंने वाइट कलर का कहीं कहीं पे मर्ज करने के लिए या फिर इसको स्मूथ करने के लिए, कलर को स्मूथ करने के लिए कहीं कहीं वाइट कलर अप्लाई किया, आप भी वो कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मैं आई, मैंने ब्लैक कलर से एक ट्री को क्रिएट किया है, ट्री की ब्रांचेस बनाई है जिसमें नेस्ट बना के हमने दो बेबी बर्ड्स को बिठाया। उसके बाद उनकी मम्मा को बुलाया और मम्मा को बोला कि ये हंग्री हैं, दो छोटे छोटे से बर्ड्स, इनको आके जल्दी से खाना खिलाओ। तो मम्मा बर्ड आई और उन्होंने जल्दी से खाना खिलाया। इंटरेस्टिंग। गुड, सबने एंजॉय किया? ओके, थैंक यू बेटा। आप भी बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं देख करके। ये अभी बेसिक था, अब मैंने आज ऑयल पेस्टल टेक्निक सिखाया। फर्स्ट डे मैंने सिखाया था कि हम किस तरीके से कलर्स को यूज कर सकते हैं। मैंने पहले ओपेक स्टाइल में फॉर डे वन को मैंने सिखाया था, क्या ओपेक स्टाइल ट्री बनाना सिखाया था। ठीक है, सेकेंड डे हमने क्या किया, बबल आर्ट किया। और साथ में जिनके पास बबल शीट नहीं थी तो हमने ब्रश के स्ट्रोक से फ्लावर बनाना सीखा, कलर डिफरेंट कलर स्टाइल में। थर्ड डे हम कहाँ आए, हम थर्ड डे आए हैं हम डूडल आर्ट में। ठीक है, थर्ड डे हमने डूडलिंग की। डूडलिंग में हमने सीखा कि हम किस तरीके से सर्कल का या फिर स्क्वायर का या फिर ट्रेंगल का यूज कर सकते हैं। थर्ड डे हमने डूडलिंग से गणेशा बनाया। फोर्थ डे हमने थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया अपना, मतलब थोड़ा सा हम जब हमें कलर की नॉलेज हो गई, हमें पेंसिल की थोड़ी सी आइडिया हो गया, उसके बाद हम आए वर्ली आर्ट पे। वर्ली आर्ट पे हमने क्या किया, वेस्ट मटेरियल न्यूज़पेपर यूज़ करके हमने उस पे गणेश चतुर्थी की एक इमेज क्रिएट की, एक इवेंट बनाया, सेलिब्रेशन बनाया वर्ली आर्ट के थ्रू। आज का हमारा ऑयल पेस्टल टेक्निक थी, आज हमने ऑयल पेस्टल यूज़ किया। आज का फिफ्थ डे था जिसमें हमने बनाया
सनसेट विद नेस्ट. ओके, ये पेंटिंग आपको सेंड हो जाएगी होमवर्क. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए डिस्कशन करते हैं. मैं इस पेंटिंग को अब हटा रही हूँ. ठीक है, तो सबको अच्छा लगा, एंजॉय किया सबने, अच्छा लगा. सी, अब मैं पेंटिंग दूर से दिखा रही हूँ. ठीक है, जब भी आप कोई लैंडस्केप बनाते हैं, कोई सीनरी बनाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो टू जस्ट रिलेटेड टू लैंडस्केप और सीनरी, तो उसको हमेशा ये चीज़ याद रखना, दूर से देखना, लाइक दिस. इट्स अ प्रेजेंटेबल फॉर यू. ठीक है, ये आप इसे फ्रेमिंग करवा के कहीं भी हैंग कर सकते हैं. ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है इस तरीके से. और भी टेक्निक होती है बाय यूजिंग अ वाटर कलर एंड ऑयल पेस्टल कलर. बहुत सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की पेंटिंग बनाने में. मैंने ये बेसिक प्राइमरी ऑयल पेस्टल इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑयल पेस्टल हर किसी के पास अवेलेबल होता है. और ड्यूरिंग लॉकडाउन कई लोगों की कंप्लेन थी, कई बच्चों का था, मतलब इश्यूज़ था कि मैम ऑयल पेस्टल हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, या फिर सॉरी मतलब वाटर कलर एक्रेलिक कलर हम अपने अरेंज नहीं कर पाएंगे. अगर आपको सीखना है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप वाटर कलर टेक्निक में भी ये कर सकते हैं. ऑयल पेस्टल टेक्निक में भी आपने किया, पोस्टर में भी कर सकते हैं, एक्रेलिक में भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है बेटा, ओके. चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास की हम बात कर लेते हैं. सबको क्लियर हो गया ना, ये सबको दिख गया ना. जब आप अपनी पेंटिंग बनाएंगे तो अपनी मम्मा या पापा को दिखाना ज़रूर कि देखो मम्मा, मैंने ये मम्मा बर्ड बनाया है साथ में दो किड्स के साथ. ठीक है, दिखाना और दूर से ऐसे करके देखना कि इसमें क्या कमी है. हाँ, इसको हमने खाना नहीं दिया ना, तो आप एक काम करना, अब मामा के मुंह में दो ऐसे दिखाना, जो स्नेल होती है ना, दो स्नेल दिखाना कि दो मामा मतलब वॉमर दिखाना, ताकि वो दोनों को खिला सके. ठीक है, दूसरे वाले को भी खाना खिलाते हुए दिखाना, क्योंकि मैंने तो एक को दिखाया, एक तो भूखा रह गया ना, तो आपको दोनों को खाना खिलाते दिखाना है. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है. नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाया जाएगा वुमेन पोर्ट्रेट विथ पेंटिंग. ठीक है, आपको वुमेन पोर्ट्रेट करवाऊंगी मैं, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक शीट की. लिख लीजिए कहीं पे, लिख लीजिए बेटा, मैं लिखवा रही हूँ सबको. प्लीज राइट डाउन द नेम. पेंटिंग का नेम है वुमेन पोर्ट्रेट, ट्रेडिशनल आर्ट, वुमेन पेंटिंग. लिखा, ट्रेडिशनल आर्ट है ये. जिसके लिए मटेरियल चाहिए A4 साइज की शीट, एक कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड कैसा होना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ. ये है वो कार्डबोर्ड. ठीक है, कार्डबोर्ड है. इसको आपको कोई भी एक सर्कल बड़ा सा ड्रॉ करना है. बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है. ठीक है, आप लोग खुद घर में अप्लाई मत करिएगा, नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको समझा दूंगी. बस अपने साथ ये कार्डबोर्ड रखना, A4 शीट रखना. ठीक है, इतनी बड़ी शीट चल जाएगी, लाइक दिस, इतनी बड़ी शीट चल जाएगी. ऐसा कार्डबोर्ड चाहिए हमको. ठीक है, हमें चाहिए पोस्टर कलर. वाटर कलर भी ले सकते हो, वाटर कलर. कलर्स सारे तरीके के होने चाहिए आपके पास. स्किन कलर भी चाहिए होगा, क्योंकि पोर्ट्रेट, हम किसी लेडी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, किसी लेडी की फेस बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्किन कलर की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है,
स्किन कलर बनाने के लिए ऑरेंज और व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे हम कल, जिसी को बनाना है। साइज बेटा ये साइज है, आप A4, मैंने आपको बताया A4 से बड़ा ही होना चाहिए। फिर से बता देती हूँ, जो कार्डबोर्ड का साइज होगा वो भी A4 से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है? हाँ, A4 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए कार्डबोर्ड का साइज, लाइक दिस। देखो इस बड़ा है ना, ये A4 से बड़ा है ना, तो A4 से बड़ा ही होना चाहिए। A4 शीट अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो A3 शीट भी यूज कर सकते हैं, जितना बड़ा कार्डबोर्ड है उतनी बड़ी शीट यूज कर सकते हैं, ठीक है? नहीं बेटा, कैनवस बोर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसको कट करवाऊंगी, इससे कट करवाऊंगी ये वाला बोर्ड को, और पेस्ट कराने के लिए जो मैं इमेज बनाऊंगी उसके पीछे ये पेस्ट होगा। जो मैं चीज़ वुमेन पोर्ट्रेट बनवाऊंगी वो एक सर्कल की इमेज होगी, सर्कल पे बनवाऊंगी और उसको इस हार्ड बोर्ड पे पेस्ट करवाऊंगी, ठीक है? एज अ हैंगिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, तो आप कैनवस यूज़ नहीं कर सकते, आपको यही कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा जो वेस्ट होता है हमारे पास। कहीं भी किसी भी पैकिंग होती है किसी भी चीज़ की, जैसे रेफ्रिजरेटर है और उन सब चीज़ों की पैकिंग हमारी जो होती है वो एक इसी तरीके के कागज की पूरा कवर्ड होता है ना, वो उससे बॉक्स होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि पतली थिकनेस वाला, ऐसे थिकनेस वाला हो तो ज़्यादा सही रहेगा, काटने में हमें ईजी रहेगा। फिर अच्छा ओके, मैं फिर बता देती हूँ, कलर्स चाहिए हमें, फैब्रिक कलर हो या पोस्टर कलर हो, ब्रशेस चाहिए, ठीक है? एंड साथ में आप कोई भी ब्लैक स्केच पेन या मार्कर ज़रूर रखा करिए, हमेशा ही रखा करिए वो, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा कार्डबोर्ड चाहिए हमको, हमें A4 शीट चाहिए, ठीक है? और पेंसिल इरेजर और जो आपके बेसिक चीज़ें हैं वो तो हम रखेंगे, ठीक है? कोई क्वेरी, कोई भी क्वेरी है प्लीज़ पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक सबको समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ओके बेटा, चलिए ठीक है। आई होप कि आपने आज का दिन भी इंजॉय किया होगा, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। एक्साइटेड होके आया करो, एक्साइटेड तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से हम पेंटिंग करेंगे, ठीक है? मुझे मालूम है 1 बजे थोड़ी नींद आती है सबको, क्योंकि खाना वाना खा के हम लोग ड्राइंग करने बैठते हैं, है ना? थोड़ा कम खा के ड्राइंग कर रहा करो, नहीं तो नींद आएगी तो फिर कैसे बनाओगे, ठीक है? तो अपना जो लंच है वो 12 o'clock अराउंड कर लिया करो, 12:30 के आसपास, ताकि 1 बजे तक आप थोड़ा सा रिफ्रेश फील करो, ठीक है? रेस्ट वगैरह करके फिर क्लास को ज्वाइन किया करो। ओके डन, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बी सेफ, नमस्ते, थैंक यू।